तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में देख सकते हैं सामने 2 फीट बाई 4 फीट की जो टाइल्स होती है वो टाइल्स पूरी लगी हुई है, और यहाँ पर एक टाइल्स जो लगाते हैं वो लगा के दिखाता हूँ आपको, और बाकी की पहले दिखा देता हूँ कि सभी टाइल्स लग चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम 2 बाई 4 की एक एक टाइल्स सेट करके लगा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो इधर। अभी इसमें मेन क्या है और किस लिए हम इसका वीडियो बना रहे हैं वो भी बताएंगे आपको। तो चलिए सबसे पहले टाइल्स लगा लेते हैं कंप्लीट। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेती थी उसको इतने सारे खांच बनाए जाते हैं ताकि जब इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे मतलब ठोकेंगे थोड़ा तो आके एक एक जगह पे पूरा एक अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि पूरा टाइल्स के थिकनेस के बराबर माल आ चुका है। अभी टाइल्स जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये सभी माल नीचे जाके बैठ जाएगा, अच्छे से पूरा लेवल हो जाएगा। अभी इसमें अच्छे से सीमेंट पानी डाल देना है, और अभी आप देख सकते हो टाइल्स उधर कट होके रेडी है, वो टाइल्स इधर बैठेगी। अब इसके अंदर थोड़ा सा सूखा सीमेंट भी मारा जाता है ताकि जहाँ पर रेती थोड़ा दिखता है वो रेती ढक जाए। देख सकते हो अभी हो चुका है, अभी जाके सिर्फ टाइल्स रखना है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हो आपकी टाइल्स इधर रख चुके हैं कंप्लीट। ये लगाने पे क्या होता है कि ऐसे जो टाइल्स जब हम लगाते हैं तब इसका जो होता है वो थोड़ा बेंड रह जाता है, तब क्या होता है अगर इसमें स्पीड डाल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों जो 2 बाई 2 की टाइल्स होती है उसमें ज़्यादा इतना बेंड नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हो ये जो बड़ी जॉइंट होती है 4 फीट वाली इसमें थोड़ी सी बेंड रह जाती है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस टाइल्स में क्या प्रॉब्लम होता है। कि आप देख सकते हो इस तरह से हथौड़े से प्रेस करके बिठाए जाते हैं पूरे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बिठाने के बाद कहीं कहीं पर थोड़ा सा मतलब ऐसा नीचे ऊपर रह जाता है, जो कि हाथ में लगता है कि हाँ थोड़ा सा ऊपर है, मतलब पूरा टाइल्स अच्छे से मैचिंग नहीं होता। तो किससे मैचिंग होगा वो भी आज की इस वीडियो में बताएंगे हम। टाइल्स को पूरा क्लीन कर लेना अच्छे से, देख सकते हो जो भी इसके ऊपर का सीमेंट पानी वेस्टेज होता है उसको निकाल देना है। अब जाके यहाँ पर पता चलता है कि कहाँ पर बैंड है कहाँ पर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सिर्फ है, और यहाँ पर भी बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो बीच में है वो बिल्कुल ही ज़्यादा अलग से दिख रहा है कि हाँ इधर टाइल्स का जॉइंट है। तो कैसे नहीं दिखेगा वो अभी आज की इस वीडियो में बताएंगे हम। तो दोस्तों आप देख सकते हो 2 बाई 4 की पूरी टाइल्स की कंप्लीट, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट होता है वो थोड़ा सा बेंड होता है, जो कि दिखाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इसको सरकाऊंगा तो थोड़ा सा इधर टच हो जाएगा, आप देख सकते हो इससे आगे नहीं जाता है। इसका क्या मतलब है कि इसके आगे मतलब ये टाइल्स ऊपर है, इस टाइल से ये टाइल्स ऊपर है तो ऐसे ही ऊपर रह जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर चला जाता है क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर होता है ये ऊपर चला जाता है। लेकिन ऐसे ही आप किसी भी मिस्त्री या ठेकेदार से अगर आप टाइल्स फिट करवाते हो तो क्या होता है वो ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा रेट ज़्यादा देते हो तो वो क्या करते हैं पूरा टाइल्स आपका एक चेक करके उसका भी सोल्यूशन होता है अपने पास। तो क्या सोल्यूशन है आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक क्लीन की बोतल, जो कि नॉर्मल हर हार्डवेयर की दुकान में मिल जाती है, जिसका नाम देख सकते हो वेट्रा नाम है इसका। तो क्या होता है बाद में आसानी के साथ निकल भी जाती है और आसानी के साथ ये चिपक भी जाती है। तो इसको हम इसके ऊपर चिपकाएंगे और किस तरह से चिपकाएंगे आपको दिखाएंगे। अभी क्या करना है इसको आप देख सकते हो, इसके ऊपर अपने को वजन रखना है, लेकिन इसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ ऐसा नीचे की तरफ, तो इस तरह से प्रेस करता हूँ और पूरा लेवल करके इधर पे पैर रख लेता हूँ, इधर पे रख लेता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रॉब्लम था उसको चेक करना है कि गया या है। अभी इधर से सरकाता हूँ तो ऐसा जाता है और इधर से सरकाता हूँ ऐसा जाता है, यानी अभी जो जॉइंट नीचे ऊपर का था वो बराबर हो चुका है। अभी क्या होता है कि बराबर होने के बाद तुरंत इसके ऊपर ये वेटरा फेविकोल जैसा ऊपर से ऐसा मार देना इसको। अभी इतना ज़्यादा नहीं डालना है ना इतना कम डालना है, सर बराबर में डाल के इसे छोड़ देना है। अभी एक मिनट के बाद ये तुरंत घट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर भी जो इसका लास्ट वाला कोना है वहाँ पर भी आपको वेटरा मार देना है, नहीं तो क्या होगा बीच का मिल जाएगा और यहाँ पर प्रॉब्लम रह जाएगा। देख सकते हो इसके ऊपर ऐसा लगा देना है, अब ये जॉइंट भी बराबर और यहाँ पर भी मार देना है जो कि लास्ट वाला है, उसके लिए इसको लेवल करके पूरा वेटरा लगा देना है ताकि कोई भी जॉइंट ऊपर नीचे ना रह जाए। तो दोस्तों देख सकते हो कि पूरा हमने वेटरा इसको लगा दिया है, अभी क्या होगा इसमें कोई भी जॉइंट ऊपर नीचे नहीं रहेगा। पूरा 2 बाई 4 का अगर आप बिना गुरु के भी लगवाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा पास, ये देख सकते हो ये तो इसमें सॉल्यूशन था, अभी मैं इसके से हट भी जाता हूँ, देख सकते हो अभी ऐसा फेंकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जॉइंट लेवल बराबर हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे ही टाइल्स इंटरनेट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस आती रहती है इसी चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।